तो जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि अपने पास जो फास्ट एंड अप का ब्रांड प्रमोशन आया उसमें से 3 प्रोडक्ट आ गए थे और 1 प्रोडक्ट रह रहा था जो कि आज आ चुका है और वो ये रहा फास्ट एंड अप का क्रिएटिन। तो देखते हैं खोल के और उसके बाद जो है इसका प्रॉपर जो वीडियो है वो डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ मैं सोच रहा हूँ। आ गया फास्ट एंड अप का क्रिएटिन, ऐसा कुछ दिखता है ये। और ये क्रिएटिन की प्योरेस्ट फॉर्म में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, इसमें 1000 mg और इसमें जो है गोलियां हैं तकरीबन 3.9 ग्राम की। तो 3.9 ग्राम जो है एक गोली में क्रिएटिन आता है। 2 hours later खाना खा के और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी जो है भाई मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल और 5:30 बजे की अपनी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। तो गाड़ी में बैठ के बताता हूँ मैं सीन क्या है। सो, अगर आप मेरे व्लॉग देखते हो तो आपको पता ही होगा आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले जो है मम्मी गांव गई हुई थी तो गिर गई थी, जिसके कारण जो है शोल्डर में मम्मी के जो है इंजरी हो गई है, तो फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो गई है। तो भाई उसी की ट्रीटमेंट चल रही थी, तो पहले भी गए थे और उसके बाद जो है 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट दी थी डॉक्टर ने जो कि आज है। तो आज जा रहे हैं और फिर उसके बाद भाई दिखाते हैं क्या प्रोग्रेस है, क्या है सीन है। और भाई काफ़ी मतलब दिल्ली के काफ़ी बड़े डॉक्टर में से एक डॉक्टर है शेखर श्रीवास्तव, और उन्हीं से इलाज चल रहा है और वो शोल्डर और नी के स्पेशलिस्ट हैं। तो भाई चलते हैं इलाज इलाज करवाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं भाई अगर टाइम से फ्री हो गए तो जिम वगैरह चलेंगे। डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव वहाँ पे तो है नहीं, कोई नहीं वहाँ। अपॉइंटमेंट थी 5:30 बजे की लेकिन नंबर आया 6:30 बजे। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आया कि अपॉइंटमेंट लेने का फ़ायदा क्या हुआ जब वही लाइन में लग के ही सारा सीन करवाना था। तो फिलहाल जो है भाई हो चुके ट्रीटमेंट और अभी जो है निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए। और भाई एक हो गई है दिक्कत, तो मैं बताता हूँ अभी क्या सीन हो गया है। दिक्कत ये है कि गाड़ी में जो है ना पेट्रोल सिर्फ उतना ही है जितने में शायद हम घर पहुँच जाए, नहीं तो रास्ते में अटक जाए कुछ पता नहीं। और पेट्रोल टैंक का जो ढक्कन होता है ना ऊपर का, वो जाम हो गया है, हैंग हो गया है, खुल ही नहीं रहा है वो। बहुत सारी कोशिश कर ली खोल के, खुल ही नहीं रहा है वो। तो खुल नहीं पाएगा तो पेट्रोल डल नहीं पाएगा और ये सीन हो रखा है। तो भाई पता नहीं अभी देखते हैं घर पहुंच पाते हैं नहीं। और अगर रास्ते में कोई मिस्त्री मिल गया जो कि इसको सही कर दे तो फिर अपना काम हो सकता है सही पेट्रोल पंप से पहले। चलिए फिर देखते हैं भाई, सबसे पहले तो मिस्त्री की तलाश है, अगर मिस्त्री मिल जाए और वो सही कर दे और नहीं तो फिर उसके बाद देखते हैं घर पहुंच पाते हैं या नहीं। गाड़ी को जो है एकदम इकोनॉमिकल रेंज में चला रहा हूं मैं 40 से 60 के बीच में, जिससे कि भाई एवरेज अच्छी आएगी तो शायद जो है हम लोग घर पे पहुंच पाए, घर तक पहुंच पाए। और वैसे तो काफी आगे आ चुके हैं, देखते हैं भाई ऑलमोस्ट बुराड़ी पहुंच चुके हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है अपना घर, तो देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं। गाड़ी जो है भाई अब ले चुकी है झटका, तो मुझे लग नहीं रहा कि गाड़ी घर तक पहुंच पाएगी। तो भाई एक उस्ताद जी हैं जिनसे मैं कभी गाड़ी वगैरह अपनी बनवाता हूं, तो उनको मैंने कॉल करके पूछा, उनको बताई अपनी समस्या। तो उन्होंने कहा कि एक बार ना पानी डाल के देखो, अगर थोड़ा जंग रस्ट वगैरह का दिक्कत रहेगा ना तो थोड़ी बाद देर बाद जो है वो खुल जाएगा। तो भाई देखते हैं चेक करके, अगर खुल जाए तो भाई बस मज़ा आ जाए। पानी तो डाल दिया है, अब खोल के चेक करते हैं। और भाई नहीं खुला ये, तो भाई अब अपने पास कोई रास्ता है नहीं दूसरा, देखते हैं मिस्त्री मिल जाए तो। खुल गया, तार खींच एक बार, तार खींच के ही रखा है, हो गया। क्या दिक्कत थी यार? पर ये लगेगा नहीं, फिर लगेगा नहीं, फिर बाद में फिर ऐसे खोलना पड़ेगा खींच के रखा के। भाई फाइनली जो है सही हो गया, मिस्त्री था बंदे ने कर दिया सही कैसे भी जुगाड़ लगा के और खुल गया। और फिलहाल जो है मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, सबसे पहले पेट्रोल डलवा के निकला हूँ और भाई जाम में फंस गया हूँ और आधे घंटे हो गए फंसे हुए। और भाई किस्मत इतनी बढ़िया, आज अगर भाई नहीं डलवाया होता ना पेट्रोल तो यहीं फंस जाते आज। वही अभी जो है मैं पहुँच चुका हूँ घर और भूख इतनी ज़्यादा तेज लग गई है तो कुछ खाने को भी नहीं है। तो भाई मैं खा रहा हूँ अभी ये तरबूज।
टाइम बच चुका है 9:05 और भाई ऑलमोस्ट जिम पहुंच चुका हूं मैं। तो भाई वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि आज जिम हो पाएगा, बट फिर भी भाई कोशिश करके देखते हैं। कोशिश करेंगे अगर भाई कुछ भी हो जाए, थोड़ा भी वर्कआउट हो जाए तो बस मज़ा आ जाएगा। सो घर पहुंच चुका हूं मैं और अभी जस्ट हाथ मुंह धो के आ रहा हूं और भाई वेट कर रहा हूं अपने खाने का। और भाई बात करो जिम की, तो भाई जिम गया था मैं, एक तो ऑलरेडी मैं थका हुआ था, उसके बाद फिर जिम गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, बट भाई वहां जाने के बाद जैसे मैंने वार्म अप स्टार्ट किया ना, फिर उसके बाद भाई ऐसा लगा कि नहीं एनर्जी है ही नहीं। तो भाई जिम जाके और पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना कुछ करे वापस आया हूँ आज मैं, मतलब भाई फिर वहाँ से फिर निकल गया मैं, अकेडमी निकल गया। सो भाई मतलब धीरे धीरे ना जब हम जिम स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर एक फेज ऐसा आता है ना कि वहाँ फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई बस अब हो चुका है, अब इससे आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और मेरा वही वाला फेज इस टाइम चल रहा है। तो भाई पहले तो फुल पावर से मतलब मैंने जिम स्टार्ट करी, उसके बाद फुल पावर से भाई सारी चीज़ें करी, और अब धीरे धीरे ना भाई लेवल और मतलब एनर्जी ऐसे डाउन होती जा रही है ना कि करने का मन नहीं होता है, और इसी फेज से मेरे को उभरना है। मतलब इससे पहले भी जो है मैंने कई बार मतलब जिम किए हुए हैं और हर बार ऐसे ही होता है, 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम 4 महीने इतना ही किया हुआ है, उसके बाद फिर यही फेज़ आता है और इसी फेज़ पे फिर मैं क्विट कर जाता हूँ। लेकिन इस बार भाई देखना है होता क्या है, और इस बार मेरा क्विट करने का कोई इरादा नहीं है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है भाई सीन। एंड ये आ गई अपनी मील। तो भाई तकरीबन जो है 200 ग्राम ले रखे मैंने मटन, साथ में 2 रोटी है, थोड़े से चावल ले रखे हैं और साथ में ये खाने को तैयार बैठा है। और राइट गाइस, तो इसी के साथ भाई ये स्ट्रेसफुल डे यहीं पे होता है ख़त्म और व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। तो भाई व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा देना, उसके बगल में घंटी का आइकन होगा वो जो घंटे जैसा दिखता है, घंटी जैसा मंदिर का घंटी, उसको भी भाई ऑल पे सेट कर देना, और ये बिल्कुल फ्री है, उल्टा भाई मैं आपको पैसे दूंगा अगर आप ऐसा करोगे तो। सो भाई मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।